बायोकेमिस्ट्री हैज नो लेक्चर ऑफ बायो इन द डर्मा मॉड्यूल. वी हैव लेक्चर्स इन द जेनेटिक्स मॉड्यूल बट नो लेक्चर इन द डर्मा मॉड्यूल. एनीबडी कैन टेल मी डर्माटोलॉजी, वेयर डज बायोकेमिस्ट्री स्टैंड इन डर्माटोलॉजी? कोई बता सकता है? मेरा एक रिसर्च आर्टिकल भी है जो डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ है और उसकी सारी बायोकेमिस्ट्री, उसमें सारी बायोकेमिस्ट्री मैंने डाली है. कमन, कोई भी दिमाग लगा के बता सकता है? फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स, डर्मा में से बायोकेमिस्ट्री बताओ मुझे कहाँ है. वैसे बच्चों, डू यू ऑल नो हु आई एम? ये वीडियो ऑन नहीं हो रहा ना. लेट मी आस्क देम कि वीडियो ऑन हो सकता है क्या. डू यू नो हु आई एम? सही है, सही है. एटलीस्ट भूले तो नहीं हो ना. ठीक है, ओके. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. टुडेज लेक्चर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. या जीआईटी तो पता है, माय फेवरेट. जीआईटी इज माय फेवरेट मॉड्यूल. मेटाबॉलिज्म एंड ऑल दिस, यू नो, इट्स लाइक, सो यू रिमेम्बर मी ना. बस ठीक है. यस, आई एम फ्रॉम डीआईएमसी. ये वीडियो ऑन हो जाता. Somebody told me that when you're wearing colors like pink and yellow, and when you so the topic for today is gene and environment interaction of disease. So the story here is that most of the diseases that people are suffering from today are genetic in nature. Is it true? And we have no control over it. कोई जेनेटिक डिजीज का नाम बताओ जिस पर हमारा कोई कंट्रोल है ही नहीं. जिस पे आप एनवायरनमेंट का कोई इफेक्ट नहीं होगा. व्हाट डू यू थिंक? एनी सच डिजीज? डाउन सिंड्रोम, डायबिटीज मेलाइटिस. डायबिटीज मेलाइटिस कंट्रोलेबल हो सकती है? डायबिटीज मेलाइटिस भी तो दो काइंड की है ना. डू यू थिंक डायबिटीज मेलाइटिस इज कंप्लीटली जेनेटिक? हाँ, सिकल सेल एनीमिया, येस, दैट्स कंप्लीटली जेनेटिक. नो नो रोल ऑफ एनवायरमेंट. मैनेजमेंट में एनवायरमेंट का रोल हो सकता है कि ऑल्टीट्यूड्स पे ना जाएं या ऐसी प्लेसेस पे ना जाएं जहां ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सके. ऑक्सीजन, थैलेसीमिया, एग्जैक्टली, वेरी गुड. ओके, नाउ प्रियंका, सी आई एम एक्चुअली रिमेम्बरिंग योर फेसेस एज वेल. होला, अनम्यूट कर दो. देखो किसका किसका माइक अनम्यूट हुआ. पेज, सो क्वांटिटेटिव एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स. क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स क्या है? इट क्वांटिफाइज द स्ट्रेंथ ऑफ जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक फैक्टर्स. जेनेटिक्स बिलीव टू प्ले रोल इन ऑल ट्रेट्स. समबडी सेड डायबिटीज मेलाइटिस इज अ जेनेटिक डिजीज. सो व्हाट डिड आई आस्क? दैट इज इट कंप्लीटली जेनेटिक? आई वॉज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द वेटेज ऑफ जीन्स एंड एनवायरमेंट. Genes and non-genetic factors. Got my point? Genetics believed to play a role in all traits. Non-genetic influences are also very important. In gene-environment interaction, environment may have more or less impact on those who are not genetically, who are or are not genetically susceptible. Got the point? Okay, molecular genetics mein kya hota hai?
identification of specific genes involved in susceptibility. Some individual genes have been identified in liability to mental disorders, some also associated with variations in response to environmental hazards or medication. अच्छा, तो कोई मुझे बता सकता है कि मेडिकेशन के रिस्पांस का कोई क्या कैसे एक्सप्लेन होगा ये? एनवायरमेंटल हैजर्ड्स के लिए रिस्पांस टेरेटोजेनिक, व्हाट डू यू मीन बाय टेरेटोजेनिक? TERATOGENIC. So how would it be explained? Drug allergies. अच्छा, environmental hazards पे genetically response और modify कैसे हो सकता है, vary कैसे कर सकता है? Drugs that cause alternation in embryo. And secondly, आपका liver जब metabolize करता है या detoxify करता है drugs को, if there is a genetic defect in the cytochrome P450 or the system that is metabolizing those drugs, if there's a defect, genetic defect in that system, obviously we won't be able to detoxify or metabolize that drug. Got it? ठीक है, आगे जाऊं? बेसिक्स ये कि जीन्स, व्हाट आर जीन्स? बिट्स ऑफ डीएनए इन ईच सेल, वी रिमेम्बर दैट, एंड इंफॉर्मेशन ऑन ईच सेल फंक्शनिंग एंड रिप्रोडक्शन. सो नाउ द जीन्स डिसाइड व्हाट प्रोटीन्स द सेल इज केपेबल ऑफ मेकिंग. Then transcription decides, the RNA made from that DNA decides what protein is needed, and then the protein is made. Chromosomes are larger groupings of DNA. All non-gamete cells have 23 pairs of chromosomes. Half of each pair come from each parent. Human Genome Project identified approximately 30,000 genes in human DNA. 30,000 genes mean 30,000 proteins, and फिर post translational modifications होते हैं तो proteins के types और बदल जाते हैं. Determine the sequences of the 3 billion chemical base pairs that make up human DNA. 99% of nucleotide bases are the same in all people. So the variation that comes from is the 1%. Genomes for Life Project Proteomics identify protein machines that carry out critical life functions and the gene regulatory networks that control these machines. Mere bhi dimag mein nahi aa raha, mujhe batao, which is the most critical protein you think for humans, for life? The most critical protein, critical life function. What would be the critical life function? Albumin. Very good. So albumin, why is it critical? Yes, I know, I understand, but I know why it is very critical for me at this point of time. For a medical condition that someone around me is suffering from. But why would you say that? Anybody? Why would albumin be critical for life function? Histone protein, yes. Histone protein, of course, because it is composing and managing this big DNA that could go out of control and out of hand. Of course, albumin manages oncotic pressure. And if this pressure goes low and the liver stops making this albumin, what happens? The fluid from your circulation moves into intercellular spaces,
The third space is generated and life becomes miserable, right? The quality of life deteriorates. Then there is something known as behavioral genetics. The influence of genetic and environment factors be distinguished, and the influence of each can be quantified using behavioral genetics methods. So what does behavior have to do with genes? And what does the interaction of मतलब genetic and environmental factors, इसके interaction से behavior पे क्या फर्क? Any idea? मतलब it's a complete field of study, behavioral genetics. Why is it so important? Schizophrenia, depression, of course. This is something that attracts me the most. Depression, because we cannot see the, we can see signs and symptoms of schizophrenia. ठीक, लेकिन depression हमको नजर नहीं आता, हमें पता ही नहीं चलता, and then we start thinking that this person is actually faking, behaving weirdly. We start saying things like this, and actually this person is sick, right? सेरोटोनिन कम बन रहा है, सेरोटोनिन नहीं बना पा रहे, या सेरोटोनिन बहुत रैपिडली मेटाबोलाइज हो रहा है एंड देन एक्सक्रीट आउट हो रहा है, सीएसएफ में पहुंच रहा है, और एनवायरनमेंट जो है, जो बैड होम्स, बैड एनवायरनमेंट अराउंड, इट एग्रवेट्स दिस. So there was a time I wanted to share with you. I have a patient at home, and this patient phases out unconscious from time to time, and he has to be rushed to the emergency to be managed and to get and after all these months of hard work and diagnosis and workups, it has now been diagnosed that this person is suffering from panic attacks. This person is vulnerable, susceptible to depression, anxiety, and the environment is aggravating this condition. And so the quality of life and life for this person is becoming miserable. So what does this person now need? What kind of help or assistance as a doctor would you give to such a patient? पहले ये बताओ कि ये कैसे हमने identify किया कि this person is actually phasing out, getting unconscious and disoriented because of a psychiatric issue. पहले identify कैसे होगा? Come on, fourth year students. Case आया है तुम लोगों के पास. Ruling out other diseases first, okay? How would you rule out? What disease would it be? Maybe this person is suffering from an encephalopathy. Encephalopathy is again about 12 kinds. Metabolic हो सकता है, hypocapnic हो सकता है, hepatic हो सकता है, uremic हो सकता है. So you'll go for biochemical tests. Right, and then you'll do for, and then MRI bhi ho sakta hai, right? Bio, now you realize biochemistry is the mother of all medicine, medical sciences. You're ruling out differential diagnosis, everything comes with a with an examination and investigation. Theek? सबसे पहले इमरजेंसी में जब एक पेशेंट आता है तो उसके एबीजीज होते हैं. एबीजीज में आप क्या चीज देखते हैं? पीएच. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो, पीएच 7.5 आया, पीएच 7.5 आया है, और लैक्टेट लेवल भी हाई है, 3 है. लैक्टेट शुड नॉट बी मोर देन 1. Right?
या एज फार एज आई रिमेम्बर, आई डोंट थिंक आई, हाँ इट शुड नॉट बी मोर देन वन, ठीक है शायद चेक कर लेना। तो pH 7.5 है और लैक्टेट 3 है, इज इट कोरिलेटिंग? लैक्टेट इज एन एसिड, तो pH 7.5 हाइपर वेंटिलेशन, वेरी गुड। बाइकार्ब जो है वो 8 पे है, एक्सीलेंट। ये हाइपर वेंटिलेशन क्यों हो सकती है? व्हाट कुड बी द रीजन फॉर हाइपर वेंटिलेशन? एंग्जाइटी, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। डिड वी एवर टॉक अबाउट दिस बिफोर, फर्स्ट ईयर्स में, सेकेंड ईयर्स में, न्यूरो मॉड्यूल में, या मैंने पढ़ाया है कभी? या हो सकता है एसिड बेस बैलेंस में पढ़ाया हो, बिकॉज आई जस्ट एम अमेज्ड एंड वेरी हैप्पी टू हियर दीज आंसर्स फ्रॉम यू पीपल। एंग्जाइटी, तो दैट मीन्स वी फर्स्ट नीड, तो दिस पर्सन नीड्स साइकैट्रिक इंटरवेंशन। पेपर बैग में ब्रीद इन ब्रीद आउट करवाओ सो दैट दिस पर्सन री ब्रीद्स हिज ओन कार्बन डाइऑक्साइड, एंड देन दिस पर्सन नीड्स साइकोथेरेपी, एंड द एनवायरमेंट इन विच दिस पर्सन इज लिविंग हैज टू बी चेंज्ड एंड शुड बी मेड बेटर। यू शुड वेयर हैप्पी कलर्स, आई एम वेयरिंग अ पिंक टूडे, बट वीडियो चल नहीं रही है ना, तो क्या करूं बच्चों? अदरवाइज व्हेन वी पीपल सी अ हैप्पी टीचर वी फील हैप्पी टू एज वेल, है ना? ऐसा है ना? बोलो बोलो। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर आपको देखना है कि जीन्स और एनवायरमेंट्स का कितना इंटरेक्शन है, तो आपके जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं और डाइजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं, इनको अलग अलग एनवायरमेंट में इनका ब्रिंग अप करो एंड देन सी द डिफरेंस इन देम। वी गेट टू नो द डिफरेंस इन द बिहेवियर, द डिफरेंस इन द हेल्थ, बिकॉज दे हैव द सेम जीन्स, एंड इफ दे आर मोनोजाइगोटिक दे आर मोर क्लोजर। गॉट इट? आइडेंटिकल ट्विन्स शेयर 100% ऑफ देयर जीन्स, जेनेटिक डुप्लीकेट्स। फेटर्नल ट्विन्स शेयर 50% ऑफ देयर जीन्स ऑन एवरेज। बोथ टाइप्स ऑफ ट्विन्स हैव सिमिलर एनवायरमेंट्स। ग्रेटर बिहेवियर सिमिलैरिटी ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स इंडिसेस ग्रेटर जेनेटिक इन्फ्लुएंस। समझ आ गई? तो हमें पता चल जाएगा कि जीन्स इस वक्त कितना प्ले कर रही है और एनवायरनमेंट कितना प्ले कर रही है। सोर्सेज ऑफ वेरिएंस इन बिहेवियर, जेनेटिक हो सकता है, एनवायरनमेंट हो सकता है, एंड जीन इनटू एनवायरनमेंट इंटरैक्शन एरर। देखो जीन्स में कोई एरर अगर आ जाए या कुछ ऐसा, ये मुझे बताओ क्या मैंने जो स्टोरी सुनाई, अपनी लाइफ, लाइव स्टोरी, लाइफ की लाइव स्टोरी, कैन यू एक्सप्लेन इट इन टर्म्स ऑफ दिस? राइट? अपने इर्द गिर्द देखो तो बहुत सारी चीजें आप लोग, यू ऑल कैन एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ दिस। आर बिहेवियर, आर रिस्पॉन्सेज, एवरीथिंग इवन मेंटेन्स एंड मैनेजेस मॉडिफाइज द बायोकेमिस्ट्री ऑफ आर बॉडी। एस्टिमेट्स ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस प्रोपोर्शन इन सैंपल्स। ग्रेटर एनवायरमेंटल वेरिएशन विल मिनिमाइज जेनेटिक वेरिएशन, फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी। समझ आ रही है? अगर किसी एरिया में गुर्बत आम है, द एरिया बिलोंग्स टू पुअर पीपल इन मेजोरिटी, तो जीन्स कितने ही स्ट्रांग हो, जो भी हो, पॉवर्टी तो पॉवर्टी रहेगी ना। इसका इन्होंने ये नहीं कहा कि एग्जैक्टली 50%,
बट अप्रोक्सीमेटली 50% बोला है, बिकॉज देन यू हैव द फादर्स जीन्स एज वेल एंड द मदर्स जीन्स एज वेल. सो नाउ इट डिपेंड्स विच ऑफ द ट्विन टेक्स विच ऑफ द फादर्स जीन्स एंड विच ऑफ द मदर्स जीन्स. गॉट इट? समझ आ गई? इफ द फ्रटर्नल ट्विन्स दे आर नॉट एक्चुअली टेकिंग द सेम जीन्स फ्रॉम द मदर एंड द सेम जीन्स फ्रॉम द फादर. दिस वन वुड टेक दिस मच मे बी एंड दिस वन वुड टेक दिस मच फ्रॉम द मदर, दिस वन वुड टेक दिस मच फ्रॉम द फादर. अच्छा, जेनेटिक वेरिएशन जो होगा अगर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो एनवायरमेंटल वेरिएशन से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम. आर वी क्लियर विद वॉट वी आर सेइंग? जो मैंने स्टोरी सुनाई और दैट मीन्स पॉवर्टी वुड रेंडर जीन्स लेस अफेक्टिव. पॉवर्टी की वजह से जीन्स लेस अफेक्टिव होंगे बिकॉज इफ द मेजोरिटी ऑफ पीपल इन एन एरिया आर पुअर, द एरिया बिलोंग्स टू अ पुअर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन. And if this person has genes for good health will not make this person rich. Even if his health is very good, the area is of poor people, health will not make him rich until he leaves that area and goes to a place where he starts earning or something else like that. But health will not affect poverty. Got it? अच्छा, जीन इनटू एनवायरनमेंट इंटरैक्शन. जेनेटिक इफेक्ट्स ऑन अल्कोहल यूज आर ग्रेटर इन नॉन रिलीजियस देन रिलीजियस हाउसहोल्ड्स. व्हाई? एनीबडी हैज एन आंसर टू दिस? किसी के पास है इसका आंसर या मैं ही दे दूं? देख लो भाई, ऐसा ना हो कि हम टाइम से वो हो रहे हो. We have half an hour because alcohol consumption is less in religious households. Exactly, because this person may have a genetic susceptibility for alcohol consumption, but the environment restrictions, वो इसको क्या कहते हैं हम, reprimand, deterrence. Yeah, the deterrence in the environment is not making this person successful, and so the genes are getting masked. समझ आ रही है? जेनेटिक इफेक्ट्स ऑन सीकिंग स्पेसिफिक एनवायरनमेंट. आइडेंटिकल ट्विन्स फाइंड सिमिलर फ्रेंड्स. आइडेंटिकल ट्विन्स ट्रीट मोर सिमिलरली, ट्विन्स ट्रीटेड मोर सिमिलरली और डिफरेंटली देन फ्रटर्नल ट्विन्स. इसका कुछ समझ आ रहा है? बिकॉज आइडेंटिकल ट्विन्स का अपना बिहेवियर भी तो बहुत सिमिलर होता है ना, तो इसीलिए इनके फ्रेंड्स भी थोड़े सेम सेम ही हो जाते हैं. ट्रांजैक्शनल पर्सपेक्टिव ऑन जीन एनवायरनमेंट इंटरफेस. इट इज नॉट नेचर वर्सेस नर्चर, बट द इंटरैक्शन ऑफ नेचर एंड नर्चर दैट ड्राइव्स डेवलपमेंट. एंड दिस पर्सन का नाम बहुत लंबा सा है, खुद ही पढ़ लेना. इन्होंने ये कहा है. गॉट इट? Several epigenetic mechanisms alter gene activity in neurons with potentially important effects on brain function and behavior. Histone ki acetylation hote hai to gene activity promote hoti hai, aur histone ki methylation ho jaye to gene activity inhibit ho jati hai. So this is called epigenetic modification. Yaad rahega? Look at these three pictures. Which is a better nurture? Which is a better nature? And where do you see the interaction that is making things perfect?
विच मदर चिल्ड्रन बॉन्ड इज द बेस्ट? मतलब कोई भी नहीं बताएगा। वन, विच वन इज वन? वन किसको बोल रहे हो, इस वाले को, इस वाले को, या इस वाले? द कलर्ड वन इज वन, द टू किड्स वन इज वन, और दिस वन इज वन? ऑल वाइट, ऑल वाइट इज वन, दिस इज द बेस्ट। अच्छा, वाई वाई इज दिस द बेस्ट? यू आर सेइंग दिस वन इज द बेस्ट, एम आई राइट? वाई इज दिस वन द बेस्ट? उसके अलावा नर्चर इज मोर, नेचर इज ऑल्सो मोर, बिकॉज द एनवायरमेंट इज ऑल्सो वेरी सॉफ्ट, सॉफ्ट बेडिंग, सॉफ्ट पैडिंग लग रहा है। नीचे वाले भी सही हैं, इतने बुरे नहीं है। दिस वन इज द वर्स्ट। द मदर ऑल्सो लुक्स वीक, द मदर ऑल्सो लुक्स वीक, सही है। इन रोडेंट्स लो मेटरनल केयर मीन्स एलिवेटेड मिथाइलेशन। मिथाइलेशन का मतलब डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटेड। प्री नेटल एक्सपोजर टू क्रॉनिक स्ट्रेस इंक्रीजेज मिथाइलेशन, यानी अगर एक्सपोजर टू स्ट्रेस होगा तो मिथाइलेशन बढ़ता चला जाएगा एंड डीएनए एक्सप्रेशन नाउ बिकम्स इनहिबिटेड, डीएनए एक्टिविटी बिकम्स इनहिबिटेड। लेस नर्चरिंग मदरिंग लीड्स टू पुअर स्ट्रेस रिस्पॉन्स इन रैट पप्स। जब नर्चर कम मिलता है किसी भी इंडिविजुअल को, रैट्स को छोड़ दो ह्यूमंस को भी, इफ वी आर नर्चर्ड लेस सिंस चाइल्डहुड, आर रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस बिकम्स वेरी केओटिक, द पर्सन गेट्स मोर पैनिक्ड बिकॉज फ्यूअर कॉर्टिकोस्टेरोन रिसेप्टर्स। होता यह है, व्हेन अ मदर टचेज एंड करेसेस द चाइल्ड डेवलप्स मोर कॉर्टिकोस्टेरोन रिसेप्टर्स, एंड दीज रिसेप्टर्स मेक अ पर्सन स्ट्रोंगर फ्रॉम विद इन। दिस इज लिंक्ड टू, नर्चरिंग इज लिंक्ड टू डीएनए मिथाइलेशन। एंजाइम्स रिवर्स मिथाइलेशन, इम्प्रूव रिसेप्टर नंबर्स। अगर हमने किसी ऐसे इंसान के लिए एनवायरनमेंट बेटर कर दिया और नर्चर करना शुरू कर दिया, तो ऐसे इंसान का मेंटल हेल्थ फिर बेटर हो जाता है, क्योंकि मिथाइलेशन रिवर्स हो सकती है और रिसेप्टर्स बढ़ सकते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉन के। सो इफ अ पर्सन डिड नॉट हैव अ गुड चाइल्डहुड, डजेंट मीन दैट दिस पर्सन विल नॉट हैव अ गुड लाइफ एनीवेयर अहेड। वी कैन चेंज लाइफ फॉर एवरीबडी, ठीक है, बाई बींग गुड एंड नर्चरिंग, बाई स्प्रेडिंग लव एंड अफेक्शन थ्रू आउट। जहां आपको लगे किसी को प्यार की जरूरत है, जहां आपको लगे किसी का बचपन अच्छा नहीं गुजरा, या किसी के लिए मेंटल प्रेशर है, आई थिंक वी शुड बी स्टैंडिंग फॉर सच पीपल एंड वी शुड अपलिफ्ट पीपल। लोगों, गिरते हुए लोगों को खड़ा करने की कोशिश करें। हम दुनिया में सिर्फ कमाने के लिए, खाने के लिए और तरक्की करने के लिए, प्रमोशन करके, बड़े बड़ा आदमी बनने के लिए, बड़ी खातून बनने के लिए नहीं आए हैं, थोड़ी सी अच्छाई फैलाने के लिए भी आए हैं। एंड वी आर हियर इन दिस वर्ल्ड टू डू गुड फॉर पीपल। गॉट इट? यू वोंट बिलीव, दिस इज समथिंग दैट इज द मोटो ऑफ माई लाइफ। वेर एवर आई सी एनी बडी फॉलिंग और गेटिंग वीकर,
I see this as my place. I go there and I stand by the person. Because मैं दुनिया में मुझे लगता है हम इसीलिए आए हैं खा पी के मजे करके घूम फिर के वापस चले जाना इज नॉट द रीजन वाई वी आर इन दिस वर्ल्ड. ठीक है ओके. एंटीनेटल डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी मीन्स हायर मिथाइलेशन. सुसाइड विक्टिम्स का अगर आप वो देख लें तो देन अगेन दैट अगेन शोज हायर मिथाइलेशन इन हिप्पोकैम्पस. More methyl groups in glucocorticoid receptor genes of abused people. You're getting my point now? Relate कर रहे हो? पिछली slides के साथ are you relating whatever I'm saying ahead? Umbilical cord blood, higher methylation and higher later cortisol increase susceptibility to stress. Greater discordance in general gene expression in older twins associated with greater differences in methylation. याने सो हायर मिथाइलेशन मीन्स अ वीकर स्ट्रेस रेस्पॉन्स. एग्जैक्टली एग्जैक्टली स्ट्रेस रेस्पॉन्स के अलावा इट मीन्स अ वीकर डीएनए एक्टिविटी. सो पीपल हु आर मोर स्ट्रेस्ड और हैवंट गॉट अ गुड लाइफ ऑलवेज दे टेंड टू गेट सिक मोर ऑफन. सो डीएनए एक्टिविटी यू कैन नॉट जनरलाइज इट सेइंग स्ट्रेस रेस्पॉन्स. There are more other usages of DNA expression and activity. Proteins नहीं बनते, immunity weak हो जाती है. Less receptor means depression हो जाता है फिर. Not happy. Such people don't smile much. Okay, let me tell you. I have been a motherless child since I was a little girl. I was 5 years old when I lost my mother. But I never knew how it is not to have a mother because my grandmother took care of me, my uncle took care of me, and I had a very happening childhood. And that is why I am who I am. Otherwise, not having a mother means not having these glucocorticoid receptors. And do you ever at least see that I am a person who does not have love to give to people, care to give to people. So the environment plays a very important role. Achha, environmental pathogen, high depressive symptoms with carriers of low activity of monoamine oxidase, A allele. Effects of multiple types of maltreatment resilience can be due to variability in exposure to environmental risk factors. Accuracy of risk exposure. You see, all these statements I've got from research papers. Imaging genomics, effects on emotional processing in psychiatrically healthy adults. Exaggerated amygdala response to fearful or angry faces. This is me. When anybody makes a face with a bad gesture or tries to show me bad gestures, bad expressions, this affects me because I am a person of a very soft interaction. Limitations, correlation or quasi experimental designs, no causality. Intervention studies, prediction of treatment efficacy. What can methylation mean for rats? Drugs introduced in adult rats targeting this gene can affect stress response, reducing response to the level of rat who received low maternal care. In addition to stress effects during pregnancy, rodents placed on methyl-rich diets can cause an effect in color expression with the AGOTI mutation. These are questions that you need to answer yourselves relating to all that we've spoken up till now. अब तक हमने जितनी बातें की हैं इनसे इन questions को relate करो and make your own opinions. The biochemistry of it I have told you.
You understand what pharmacogenetics is? It is a study of drug responses that are related to inherited genetic differences. Epidemiology means a discipline that seeks to explain the extent to which factors that people are exposed to environmental or genetic influences their risk of disease by means of population-based investigations. जो हम क्रॉस सेक्शनल स्टडीज करते हैं दैट्स व्हाट इज टॉकिंग अबाउट एंड एपिजेनेटिक्स क्या है द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ऑर्केस्ट्रेटेड बाय अ सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट स्विच पार्ट्स ऑफ द जीनोम ऑफ एंड ऑन एट स्ट्रेटेजिक टाइम्स एंड लोकेशंस एपिजेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ दीज रिएक्शंस एंड द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस देम एक एग्जांपल तो बताओ एपिजेनेटिक्स का जल्दी बताओ इससे पहले के 12 बज जाएं और हमारा टाइम खत्म हो जाए आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ एसिटाइलेशन मिथाइलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉन रिसेप्टर्स अपग्रेडेशन अपरेगुलेशन ठीक है नाउ देयर इज वन मोर थिंग नोन एज जीन्स हैव इफेक्ट्स ऑन द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ एनी डिजीज एंड सो डज द एनवायरनमेंट द इंडिविजुअल इफेक्ट्स ऑफ द टू विल लीड टू मिस कैलकुलेशन ऑन द वेटेज देखना होगा कि किस डिजीज में एनवायरनमेंट का वेटेज ज्यादा है और किस डिजीज में जीन्स का वेटेज ज्यादा है So, the gene-environment interaction is used for several reasons, and here is a list of the reasons. we've actually talked more than this. Do you think you need this lecture? Do you all need this lecture? Will I have to? How will I give this to you? चाहिए गामिल What is गामिल I'm not understanding. बेटा मेरी समझ आ गई You are saying email. Let me take a picture of your email ID. जी हाँ जी मेल सही है I'll take a picture and then but Zainullah I want the whole class to get it, ठीक है? Whoever wants it, तो मैं तुम्हें भेज दूंगी तुम सबको दे देना because there's a lot of information in it and this is real life information. So I want the whole class, including the DMC people, DMC के बच्चों को भी दे देना वैसे DMC के कोई present तो बताए हाथ उठाए Come on, give me a salam. तलहा हादे का तलहा यू आर फ्रॉम डीएमसी ठीक है ठीक है ठीक है यू रेज योर हैंड एंड आई सॉ इट सम जीन एनवायरनमेंट इंटरैक्शंस कैन बी आइडेंटिफाइड विदाउट एनी मॉलिक्यूलर एनालिसिस वन एग्जांपल इज द मच स्ट्रॉन्गर इफेक्ट ऑफ सनलाइट एक्सपोजर ऑन स्किन कैंसर रिस्क इन फेयर स्किन ह्यूमंस देन इन इंडिविजुअल्स विद डार्कर स्किन अहमद मेरे बच्चे इन सबको दे देना प्लीज Because I think this is very informative, and I want all of us who are in this class to be on this at the same level. Others can be observed as a reproducible effect of an environmental exposure on a susceptible individual. Iska example kya hai? Flushing response seen after alcohol ingestion in individuals with low activity polymorphisms in the aldehyde dehydrogenase gene. However, a rapidly expanding ability, particularly after the completion of the Human Genome Project, to define genetic differences at the DNA sequence level is opening up a vast new terrain in the search for gene-environment interactions. चलो ये तो खुद देख लेना तुम लोग. Examples, examples, examples. Phenylketonuria is also an example. Oh my God! And look at this list.
just update your information, your knowledge. Metabolic, this is the most interesting. Significance in both PPAR signaling and adipose cytokine signaling from the tight subnetwork of 93 environmental factors linked to several metabolic syndrome phenotypes such as serum lipoprotein and triglyceride levels, BMI, body mass index, insulin sensitivity, type 2 diabetes and obesity. So ye jo isko hum kehte hain metabolic syndrome, jisme aapke lipid levels, aapke glucose levels, then your obesity, insulin sensitivity, insulin resistance, everything together gets disturbed. So it is known as a metabolic syndrome. ठीक है, इसमें type 2 diabetes भी आ जाते हैं. And 93 genes environmental factors linked to several metabolic syndrome. Oh my God, this is so very complicated. So this is known as a metabolic syndrome cluster, जिसमें environmental factors भी है. If you're not exercising or you're eating a lot of processed food, and then you have genetic susceptibility as well, so this interaction will get you into a metabolic syndrome kind of a situation where obese भी हो जाओगे, type 2 diabetes भी हो जाएगी, और hyperlipidemia भी हो जाएगा. Hyperlipidemia भी hyper triglyceridemia भी हो सकता है, या cholesterol high हो सकता है, LDL high होके atherogenesis भी हो सकता है, CVS cardiovascular diseases भी हो सकती है metabolic. इसी तरह neuropsychiatric cluster भी है, बहुत सारे जो है वो mental disorders भी हो सकते हैं, जिसमें dopamine भी involve हो सकता है. और इट कम्स अप फ्रॉम देखो schizophrenia, depression, bipolar disorder, ADHD, anxiety, OCD, and you name it, and that's तो ये cluster भी हो सकता है and becomes multifactorial, and then somehow in the end it goes out of our control. अबे ये look at this picture, आप समझ आ रहा है? Modulation of response to exposure, पहले exposure होता है, early effects होते हैं जो हमें अक्सर जो है नजर भी नहीं आते, और फिर आखिर में इट एंड्स अप टू डिजीज. जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी भी मौजूद होती है, बट इट वेट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स. जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी वेट्स फॉर द एनवायरमेंटल एक्सपोजर टू कम एंड गिव इट अ गो अहेड. ठीक है, ये बातें हमने कर ली. कोई मजे की चीज हो, अच्छा पॉलीमॉर्फिज्म है, जीन्स में कोई डिफरेंस है, तो अगेन दिस माइट समटाइम्स बी साइलेंट, कोई इफेक्ट ना हो, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि ये ससेप्टेबिलिटी बढ़ा देती है. अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन वाली बातें हमने कर ली है. फार्माकोजेनेटिक्स, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, टॉक्सिसिटी, रिड्यूस्ड एफिकेसी. हाँ, कुछ ड्रग्स की एफिकेसी भी कुछ लोगों के लिए कम होगी. कुछ लोग चार चार पैनाडोल खा के भी उनको फर्क नहीं पड़ रहा होता, और कुछ लोग जो है वो आधी खाते हैं तो भी उनको हैवी हो जाता है. एनवायरमेंटल डिजीज, मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सपोजर इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी, मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सपोजर इंड्यूस्ड डिजीज, एंड हियर वी आर डन. एटलीस्ट वी हैव सम टाइम टू टॉक, है? यस. नाउ अब आप बताएं, किसी को कुछ कहना है? कोई बात कहनी है, कुछ करना है तो बता दें. कुछ तो बोलो. कोई ऐसी चीज जिसकी बात करनी हो, कुछ कहना हो, आज के लेक्चर के बारे में ही कुछ डिस्कस करना हो.
Exactly. Very good. This is what I wanted. I have been taking this lecture since last 8 years, and I actually struggle to take this topic because this is the message I want to give my students. बांटते फिरो प्यार खुशी, because you know happiness and energy, it's all very contagious. You can create a very good world by first making the world within you very good. Yeah, that is very big. And we need to understand this. Now you all will go into this society and you will follow what I've actually talked about. सही है? खुश रहो, खुश रहो, खुश करो. थोड़ा बहुत नुकसान तो सभी को होता है दुनिया में. नो बडी इज परफेक्ट एंड नो बडी गेट्स एवरीथिंग परफेक्टली, बट वी नीड टू एक्चुअली मैनेज एंड नेवर लीव द गुडनेस वी कैन हैव. सही है? Actually, even I also enjoy teaching you people. I also enjoy. और फिर तुम लोग तो वही वाले बच्चे हो जो मेरे साथ साला साल हो. यू पीपल आर एक्चुअली फैमिली. यू पीपल आर एक्चुअली फैमिली. नहीं, माई कैट्स आर ऑल्सो माई फैमिली. डिड आई टेल यू आई इवन गॉट अ डॉग नाउ. लाइफ में मसाइल कम है. एंड ओ माय गॉड, एंड दिस इज अ वेरी वेलकमिंग मसले. यू नो व्हाट, व्हेन आई वाज कमिंग फॉर ऑफिस टुडे, माय कैट जस्ट गॉट आउट ऑफ द हाउस एंड आई वाज लाइक आई एम गेटिंग ऑलरेडी लेट. सो देन आई जस्ट केप्ट ऑल माय थिंग्स एंड आई वाज रनिंग अबाउट बिहाइंड माय कैट, गॉट हर इनटू द हाउस, लॉक्ड हर. And then I came. So see, these are the problems I have. No, I have many other problems as well, but these problems are also very big. But this makes me laugh and smile, and I love to share this with you all. खुश रहो. चलो भैया. Yeah, my dog looks after my cat, and he's a little small thing. Maltese नहीं होते.